ये कि हमारे चारों पांचों जो चीफ थे वो चले गए हैं मुल्क से बाहर, या तो हुकूमत को चलाने के लिए, लूटने के लिए, हम पे हुकूमत करने के लिए इतने ताकतवर होते हैं, फिर फौरन जजीरे बाहर लेके इधर उधर चले गए हैं। फिर साथ को ये हमें ताना दे रहा है हिंदुस्तान, मैं नहीं कह रहा, ये तो लिखते हैं कि वो ताना दे रहा है कि मुल्क से बाहर क्यों बैठे हैं। ये बातें जो है वो उनको हम लिखते नहीं है। मैं तो फिर यही कहूंगा कि उनको पीछे अब ना आके तो खूनी इनकलाब आएगा। अगर वो अपनी हरकतों से वापस ना आके तो इस मुल्क में खूनी इनकलाब आएगा, मुल्क टूट टूट का शिकार होगा। तो जब मैंने वहां पे जब धरना था, मैंने मुल्तान से कोशिश की, समझाता गया, समझाता रहा कि यार ये मुल्क के साथ, आइन के साथ गद्दारी होगी। उसने कहा कोई गद्दारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, कह देगा नहीं है गद्दारी। उस हकूमत को उन्होंने उसी वक्त उसी धरने में खत्म करना था। सवाल सदर पर भी पहुंच गए थे, वजी आज मौत चुके। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 साल मजीद दिलाए मुस्लिम लीग की हकूमत को, मैं तो नहीं था मुस्लिम लीग की हकूमत, उनको दिलाया कि जो जो खराबियां हैं उन सबको दूर करें, आपके पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की, नहीं की ना करें। तो ये इस मुल्क को लोगों ने लावारिस बना लिया हुआ है। ये अलाटमेंट के ऑर्डर्स हैं, हर एक जो लिखवा लेता है किसी से भी, वो आके जगह को छीनता है, बैठता है, कहता है मेरा नाम अलाट हो गया है। पाकिस्तान भी किसी दिन कोई अलाट कर देगा, कर दिया अभी भी, कागज तैयार कर दिए गए हैं पाकिस्तान के अलाटमेंट के, दस्तखत होना बाकी है। तो इन्हीं के होते हैं, आप मुझे बताएं ये जो चीजें खड़ी की जा रही हैं। आज मुझे कराची के अंदर वो भी कह रहे हैं फलाना बलोच और फलाना बलोच, एक घर को आग लगवा दी गई, एक फैक्ट्री को, वो उस MQM का माई बाप कौन था? जनाब ज़ियाउल्लाह से लेके जब खत्म करते हैं कराची के लोग जो दूसरे उनकी हैसियतों को, तो फिर एक और आ जाता है परवेज मुशर्रफ, वो उन पर अरबों निछावर कर देता है, अरबों। और वो इधर से मिल रहे होते हैं, इंडिया से भी मिल रहे होते हैं, भारत भी दे रहा है, हम भी दे रहे हैं, दे कौन रहा है? हमारी अस्करी क्यादत दे रही है, हमारी अस्करी क्यादत ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। जब उन्हें कहा जाता है कि तुमने तबाह कर दिया है, ये काम नहीं कर सकते, मत करो, ना तुमने मुल्क बनाया है ना चला सकते हो, अपने घरों में बैठो, तनख्वाहें तो आप हमारी अमेरिका के जनरलों से बड़ी हैं, इंडिया के जनरलों से 10 नहीं 100 गुना ज्यादा है, पाकिस्तान का जनरल पड़ता है इंडिया के कमांडर इन चीफ से। सब कुछ खा जाते हैं, फिर कहते हैं जी हमारा नाम क्यों लेते हो भाई, अल्लाह के बंदो, हमारा इस एहतसाब किया तुमने, करते हो, तुम्हारा हिसाब क्यों ना करें, क्यों नहीं हमारा हक, क्यों चोरियां करते हो, क्यों कोर्ट कमांडर बनने की बजाय आप जाके चोरियां करते हो और बैठे के बातें करते हो, मुल्क को लूटते हो और कहते हो, क्यों कहते हो, मुल्क के इकतदार आला पर उसको जूते की टोक पे रख के 60 साल से हुकूमत करते रहे हो और मुल्क को इस हालत को तुमने पहुंचाया है, और कहते क्यों कहते हो, क्यों नहीं कहेंगे, बस करो बस करो, ये बात नहीं चलेगी।